महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी भारतीय ज्ञान सम्मिलित है जो चारों वेदों में बिखरे हुए हैं। महाभारत को महाभारत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह भारतीय विचारों की एक महान गाथा है और सभी भारतीय ज्ञान इस महाकाव्य में निहित है। यह वैदिक सत्य को कथा के रूप में समझाता है। सबसे पहले महाभारत के बहुत ही महत्वपूर्ण पात्रों में से एक सत्यवती की कहानी सुनते हैं। आखिर कौन थी ये सत्यवती? महाभारत हरिवंश पुराण और देवी भागवत पुराण के अनुसार सत्यवती का नाम अच्छोदा था। द्वापर युग की बात है कि एक राज्य में सुधन्वा नाम के एक राजा रहते थे। इनका नाम वासु या उपरिचर वासु भी बताया गया है। यह चेरी राज्य के राजा थे जो कि आजकल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के आसपास का इलाका होगा। उनकी पत्नी का नाम गिरिका था। वह निरंतर धर्म में ही लगे रहते थे। सदा हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए वन में जाने का राजा उपरिचर का नियम था। इंद्र के कहने पर ही राजा ने छेरी देश का राज्य स्वीकार किया था। इंद्र ने राजा को मणि से बना एक दिव्य विमान भेंट किया था और ये कहा कि यह विमान तुम्हारी सेवा में सदा उपस्थित रहेगा। तुम इसमें बैठकर सबके ऊपर विचरोगे देवताओं की तरह। इसके बाद इंद्र ने राजा को एक वैजयंती माला भी दी। इस माला में फूल कभी नहीं मुरझाते थे और इस माला को पहनने से अस्त्र शस्त्र से आघात से बचाव भी रहता था। फिर इंद्र ने राजा को एक बांस की छड़ी भी दी। यह छड़ी अच्छे लोगों की रक्षा करती थी। राजा के 5 पुत्र थे। राजा ने बेटों में राज्य विभाजित कर दिया और उनके बेटे विभिन्न देशों के राजा थे। चेरी राज वसु इंद्र के दिए हुए विमान में ही निवास करते थे। उनकी सेवा में गंधर्व और अप्सराएं भी विमान में ही उपस्थित रहती थी। अधिकतर ऊपर ही ऊपर आकाश में विचरने के कारण उनका नाम उपरिचर वासु पड़ गया। एक दिन उपरिचर की पत्नी गिरिका का ऋतुकाल का समय चल रहा था। स्नान करने के बाद शुद्ध हुई गिरिका ने पुत्र होने के समय में राजा से समागम की इच्छा प्रकट की। परंतु उसी दिन पितरों ने राजा को आदेश दिया कि वह हिंसक पशुओं का वध करे। राजा पितरों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। पूर्वजों की आज्ञा का पालन करते हुए राजा वन में चले गए। परंतु मन में गिरिका और उसकी कही बात को ही स्मरण करते रहे। वसंत का समय था और वन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कोयल गा रही थी और उनके गाने से सारा वन गूंज रहा था। इस मनोहरी वातावरण को पाकर राजा का मन काम वेदना से पीड़ित हो उठा और वो गिरिका को बहुत याद करने लगे। फिर उनके मन में स्त्री प्रेम की लालसा उत्पन्न होने लगी। इस प्रकार वन में कामोदिक होने के कारण राजा का वीर्य गिर गया। वीर्य व्यर्थ ना जाए और पत्नी गिरिका का ऋतुकाल भी व्यर्थ ना जाए, जिसके कारण उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती थी, यह सोचकर राजा ने उस वीर्य को अमोघ बनाने का निश्चय किया। राजा वासु बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने रानी को वीर्य भेजने का सही समय देखकर उसको पुत्र प्राप्ति कारक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया। फिर उन्होंने पत्ते से एक डोना बनाया, उसमें अपना वीर्य सुरक्षित कर दिया। पुराने जमाने में लोग अपने संदेश बाज या कबूतरों द्वारा ही भेजा करते थे। राजा ने एक बाज को ये पत्ता दिया और इसे रानी तक पहुंचाने के लिए कहा। पक्षी ने उस डोने को राजा से लिया और रानी के पास पहुंचाने के लिए आकाश में उड़ने लगा। मार्ग में उस डोने को एक अन्य शिकारी पक्षी ने देखा। उसने सोचा कि यह कोई मांस का टुकड़ा है। यह देखकर दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। इस दौरान पक्षी के पंजे से छूटकर डोना यमुना नदी में जा गिरा।
पिछले जन्म में अप्सरा आद्रिका को भी ब्रह्म देवता ने श्राप दिया था कि वह मछली रूप में यमुना नदी में रहेगी। अनजाने में मछली रूपी अप्सरा आद्रिका डोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई। कुछ समय बाद उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। जब गर्भपूर्ण होने वाला था, एक दिन वह मछली मछुआरों के जाल में फंस जाती है। एक निषाद जो कि प्राचीन काल की एक अनार्य जंगली जाति होती थी, निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। इस विशाल और अद्भुत मछली को देखकर मछुआरे हैरान हो जाते हैं। वह इसे राजा के दरबार में ले जाने का निश्चय करते हैं। राजा मछली का पेट चीरने को कहते हैं। मछुआरा जब मछली को चीरता है तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकलते हैं। महाराज सुधन्वा इस बात से अनजान होते हैं कि वह उन्हीं के शिशु हैं। महाराज सुधन्वा उस बालक को अपने पास रख लेते हैं। उसका नाम वह मत्स्य राज रखते हैं। परंतु जैसे ही वह बालिका को गोद में लेते हैं, उसके शरीर से मछली की गंध आने लगती है। इसलिए वह उसे मछुआरे को ही दे देते हैं और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा जाता है। मत्स्यगंधा जैसे जैसे बड़ी होती है, उसका रूप रंग यौवन निखरने लगते हैं, परंतु अभी भी उससे मछली की गंध आती थी। मत्स्यगंधा को कई नामों से बुलाया जाता था। इनमें से कुछ नाम तो हम जान चुके हैं, जैसे कि मत्स्यगंधा क्योंकि उससे मछली की गंध आती थी। कई लोग उसे दासई पुकारते थे क्योंकि वह छोटी जाति की थी। कुछ लोग उसे काली कहते थे क्योंकि वो रंग में सांवली थी। और कुछ लोग उसे वसावी कहते थे क्योंकि वह राजा वसु की पुत्री थी। आगे चलकर हम उनके कुछ और नाम भी देखेंगे कि वो नाम कैसे मिले। मत्स्यगंधा के पिता मछुआरे के साथ साथ मांझी का काम भी करते थे। वे लोगों को नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाते थे। मत्स्यगंधा भी उनकी इस काम में मदद करती थी। कभी कभी वह भी लोगों को नदी पार करवाती थी। एक दिन सहस्त्रार्जुन पराशर मुनि को मृत मानकर मृत प्रायः छोड़ देता है। मत्स्यगंधा मुनिराज की बहुत सेवा करती है और उनको जीवन दान देती है। पराशर मुनि इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बार पराशर मुनि को उनकी नाव पर बैठकर यमुना पार करनी पड़ती है। पराशर मुनि मत्स्यगंधा के रूप और सौंदर्य पर आसक्त हो जाते हैं और कहते हैं कि वह उनके साथ सहवास करना चाहते हैं। हर समय मत्स्यगंधा के अंदर इस बात को लेकर संघर्ष होता रहता था कि उसका जुगा भाई महल में रहता है और वह मछुआरों के बीच रह रही है। उसने सोचा कि वह किसी साधु के साथ संबंध बनाकर एक मुकाम हासिल कर सकती है। इसीलिए उसने पराशर मुनि के सामने तीन शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि समागम के बाद भी वो कुमारी ही रहे। दूसरी शर्त थी कि समागम करते हुए उन्हें कोई ना देखे। और तीसरी शर्त थी कि उसकी मत्स्यगंधा वाली दुर्गंध सुगंध में परिवर्तित हो जाए। मत्स्यगंधा कहती है कि मुनिवर, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं एक निषाद कन्या हूँ। हमारा सहवास तो संभव ही नहीं है क्योंकि मैं कुमारी हूँ और मेरे पिता क्या कहेंगे। परंतु पराशर मुनि कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम प्रसूति होने पर भी कुमारी ही रहोगी। पराशर मुनि फिर से मांग करते हैं, परंतु मत्स्यगंधा कहती है कि उसके शरीर से मछली की दुर्गंध आती है। तब पराशर मुनि उसे आशीर्वाद देते हैं कि उसकी दुर्गंध सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। यह कहते ही उनके योग बल से चारों ओर घना कोहरे का जाल रच जाता है ताकि कोई उन्हें उस हाल में न देख सके
और इस प्रकार मुनिराज और मत्स्यगंधा में संबंध स्थापित होते हैं। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से एक पुत्र जन्म लेता है जो कि वेद वेदांगों में पारंगत होता है। द्वापायन द्वीप में तपस्या करके उसके शरीर का रंग काला हो जाता है, इसी कारण उसे कृष्ण द्वापायन भी कहा जाता है। भविष्य में वो वेदों का भाष्य करने के कारण वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध होता है। इन्होंने ही वेदों का संपादन किया और महाभारत ग्रंथ की रचना की। पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा को एक नया नाम दिया, सत्यवती। पराशर मुनि के आशीर्वाद से अब मत्स्यगंधा से मछली की दुर्गंध नहीं आती थी, बल्कि उसके अंगों से उत्तम सुगंध निकला करती थी। इसीलिए लोग उसे गंधकाली या गंधवती कहने लगे। आगे चलकर उसका नाम योजनगंधा पड़ गया, क्योंकि एक योजन तक उसकी खुशबू आती थी। किसी किताब में उस समय का एक योजन मतलब आजकल के 8 किलोमीटर दिया गया है। आगे चलकर भविष्य में सत्यवती के शासन को मत्स्य राज भी कहा गया, मतलब कि एक मछुआरन का राज। वो क्यों कहा गया ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो यह थी महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक सत्यवती की कहानी। सत्यवती की कहानी आगे बढ़ेगी राजा शांतनु के साथ, वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और अगर आप महाभारत के आगे की कहानियाँ भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में अगले वीडियो पर क्लिक करें और ऊपर कार्ड में अगले वीडियो का लिंक आ रहा होगा। यह कहानी अपने परिवार के सभी सदस्यों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, अपने मित्रों को ज़रूर दिखाएं, ताकि वह भी हमारे 5वें वेद महाभारत को जान सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनें। धन्यवाद।